हाय गाइस, गुड इवनिंग आप सब। कैसे आप सभी लोग? मैं धर्म में मतलब आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अल्बर्ट बंडूरा साहब को। उससे पहले एक लाइन बोलना चाहूँगा कि अपनी तुलना किसी से ना करें, क्योंकि व्यक्ति विशिष्ट है। अब ये लाइन मैंने इसलिए बोली है कि जो अभी बिहार में शिक्षक भर्ती निकली हुई है उसमें यूपी के कैंडिडेट और बिहार के कैंडिडेट में आपस में जो है मतभेद की बहुत ज़्यादा स्थिति फैली हुई है। ठीक है, आक्रोश पैदा हो रखा है जो बिहार के कैंडिडेट है उनमें के अरेस्टेड वालों को आने नहीं देते हैं भर्ती में। और बिहार की भर्ती में रोज रेगुलर क्या है अपडेट आ रही है, कुछ ना कुछ रोज बदलाव किए जा रहे हैं। आरक्षण को लेकर बदलाव हो रहे, डोमिसाइल को लेकर या बाहर के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो परसेंटेज है इसलिए 10% बाहर के कैंडिडेट अलाउ करेंगे या 5% करेंगे। तो डेली आप नज़र बनाए रखिए और लार्जली उसके 12 के आसपास है। आई होप डेट जो है उसके आगे की ओर बढ़ेगी और सीटेट अपना अगस्त में हो ही रहा है। तो सबसे पहले हमारा फोकस क्या है, सीटेट का है। सीटेट बात करेंगे जो कैंडिडेट का नहीं हुआ है तो उनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मैं भी निरंतर काम कर रहा हूँ उनके लिए। 9-13 तो बात कर लेते हैं अल्बर्ट बंडूरा साहब के ऊपर। अल्बर्ट बंडूरा साहब की जो स्टोरी है उसके ऊपर बात करेंगे। जो अल्बर्ट बंडूरा साहब थे वो कहाँ के रहने वाले थे? वो थे आपके कनाडा के रहने वाले। कहाँ के? कनाडा के रहने वाले। अल्बर्ट बंडूरा साहब का जो थ्योरी है वो है सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अब सामाजिक अधिगम का सिद्धांत नाम लेते ही हमारे जो मन मस्तिष्क में आता है वो आता है वाइगोत्स्की का। तो वाइगोत्स्की साहब से उन्होंने जो दिया है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या जुड़ रहा है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, वहाँ पर संस्कृति आया है। ठीक है, तो निश्चित को याद रखना है, एक नंबर पक्का होगा, पूछ लेता है। जिस बच्चों को क्लियर नहीं है वो बच्चा गड़बड़ करके आता है हमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो याद रखना सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? वो दिया है अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के निवासी थे? वो थे कनाडा के निवासी। आपको ये दिया इन्होंने कब दिया? 1977 में दिया उन्होंने। कब दिया? 1977 में। इससे पहले भी इन्होंने काफी सारे फिल्म दिए थे जो नहीं, लेकिन जो लोकप्रियता हासिल हुई वो हुई थी अपना जो बेबी डॉल का प्रयोग था उसके ऊपर, जो निर्जीव एक गुड़िया थी उसके ऊपर इन्होंने जो प्रयोग किया था उससे है लोकप्रियता ज्यादा हासिल हुई। तो हम बात करते हैं लोकप्रियता जो हासिल हुई वो भी किससे हुई? जो बेबी डॉल पे जो निर्जीव गुड़िया थी उसके ऊपर जो चलचित्र 5 मिनट की मूवी दिखाई थी उससे इन्हें लोकप्रियता हासिल हुई अल्बर्ट बंडूरा को। अल्बर्ट बंडूरा के बारे में एक और बात कही जाती है कि 2009 में विश्व के चौथे साइकोलॉजिस्ट थे जो कि प्रभावशाली थे। कह सकते हैं मतलब नंबर ऑफ 4 चौथे नंबर पर थे, जिसमें स्किनर, पावलो और मनोविश्लेषणवाद जो सिगमंड फ्रायड, चेतन और अचेतन मन के जिन्हें जन्मदाता कहा जाता है, तो उनके पास जो सबसे ज्यादा जो प्रभावशाली साइकोलॉजिस्ट हुए थे वो कौन थे? अल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा। तो याद रखना है सब चौथे देख सकते हो आप। 1970 में इन्होंने प्रयोग किया और 1955 के आसपास इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? कनाडा में। इसके बाद बात करेंगे अल्बर्ट बंडूरा का जो अधिगम अनुकरण का सिद्धांत है, ये लाइन बार बार बोल रहा हूँ, इनके कुछ उपनाम भी हैं। उपनाम ही पूछते हैं क्योंकि साइकोलॉजी में घुमाव करा के पावलो का आपने देखा हो, पावलो की जो क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत, एसआर थ्योरी, ऐसे के कई सारे नाम हैं। तो इसी प्रकार अल्बर्ट बंडूरा की जो थ्योरी है उसके भी कई नाम हैं। तो जो है सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक लर्निंग अधिगम, अवलोकन का अधिगम सिद्धांत। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। सभी को याद होना चाहिए तो सीखे पढ़ते, अगर याद नहीं है। और अधिगम क्या माना जाता है? जब आप सीख कर क्या करो अपने व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लेके आओ गुड वर्क के अनुसार। अगर आपने सीख लिया और परिवर्तन नहीं लाया अपने व्यवहार में तो वो अधिगम नहीं है, वो तो सीखना है, लर्निंग है आपने। ठीक है, अवलोकन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। एक उदाहरण के तहत जैसे कि आप बस में कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए अभी हरिद्वार का चल रहा है कांवड़ का मेला है, तो आप नैनी इधर जा रहे हैं उत्तराखंड की तरफ, हरिद्वार की तरफ जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, तो आपको पहाड़ देखने को मिलेंगी, नदियाँ, झील, विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। तो उनसे आपने क्या किया? सीखा, ऑब्जर्वेशन किया।
कि यहाँ पे अच्छा पहाड़ी दिल्ली में तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऋषिकेश की तरफ टीकगंज की तरफ क्या क्या चीजें हैं, तो उसका आपने ऑब्जर्वेशन किया। दूसरा नाम ये हो गया। तीसरा है अनुकरण। अनुकरण का मतलब क्या होता है? दोहराना। जब आप किसी चीज से क्या कर रहे हो? अनुकरण कर रहे हो, तो वो हो गया अनुकरण। ठीक है। चौथा निर्देशन का सिद्धांत, किसी ने निर्देश दिया और आपने फॉलो कर लिया। चौथा है मॉडलिंग थ्योरी। जो मॉडलिंग थ्योरी है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक नंबर बिल्कुल धक्की रखी हुई मिल जाएगी आपको अगर आपने मॉडलिंग थ्योरी नाम याद रखी है डीएसटी के अंदर या फिर सब्जेक्ट के अंदर। मॉडलिंग थ्योरी किसने ये कहीं भी लिख जाए तो सीधा लगा देना अल्बर्ट बंडूरा ने दी है मॉडलिंग थ्योरी। मॉडलिंग थ्योरी क्या है वो हम आगे जाने की जरूर थ्योरी को पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है। मॉडलिंग थ्योरी में जो दिख जाए तो एक नंबर पक्का कर देना। और ये उपनाम जो है चार है इसके। ठीक है। इसके बाद फिर जो तीन ग्रुप आते थे
तीन ग्रुप में से तीनों को अलग अलग जगह तीन ग्रुप को वही फिल्म दिखा दी, ठीक है, बच्चों को डिवाइड करके फिर उसने तो रुकी तो सबने बराबर देखी थी, लेकिन जब तीन ग्रुप बांट गए तो एंड क्या है, एंड क्या है, परिवर्तित हो गया, एंड क्या है, बदल गया, डिफरेंट क्या है, अलग अलग मूवी देखी। अब अलग अलग मूवी देखने के बाद बच्चों ने क्या किया, तो अलग अलग मूवी देखने के बाद बच्चों ने क्या किया, जैसे जिस बच्चे ने मूवी देखी उसने बाहर आके वैसे ही एक्टिविटी की, जैसे मान लीजिए जो बच्चों ने प्यार वाला एंड देखा था उन्हें क्या दे दिया, एक गुड़िया दे दी तो उसके पास उन्होंने क्या लाल प्यार किया, ठीक है, जिन्होंने दंड वाला देखा था, जिन्होंने हिंसा वाला देखा था तो उन्होंने क्या किया, गुड़िया को मारपीट की, ठीक है, और तीसरा सामान ने उन पर कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो इसके आधार निकल के आया बंडूला ने यह आधार निकाला कि जो व्यक्ति है, जो बच्चा है, वो क्या समाज से सीखता है। अब समाज से क्या है, एक्टिविटी करके सीखता है, अवलोकन करके सीखता है, अनुकरण, निर्देशन और मॉडलिंग के माध्यम से सीखता है, ठीक है। तो ये थी जो पूरी थी, ये याद रखना, बेबीडॉल का प्रयोग किया, शुरू में फिल्म एक जैसी थी लेकिन लास्ट में क्या है, तीन बच्चों को बाहर दिया, तीनों को अलग अलग मूवी दिखाई, प्यार वालों ने प्यार दिखाया, गुस्सा वालों ने गुस्सा, और सामान्य जो थे वो थे सामान्य। इसके अलावा कुछ बच्चे ने कमेंट करके पूछा था मॉडलिंग थ्योरी क्यों बोलते हैं इसे, बाकी तो समझ में आ गया, मॉडलिंग थ्योरी का क्या नाम दिया, मॉडलिंग थ्योरी इसलिए नाम दिया गया, मान लीजिए वर्तमान में हम बात करें सलमान खान, ठीक है, अभिनेता है जो, तो सलमान खान, तो सलमान खान क्या है, एक अभिनेता है, और कोई भी एक्टर की बात कर लेते हैं, मान लीजिए आलिया, ठीक है, आलिया भट्ट की बात कर ले, ठीक है, ये तो हमने क्या है अभी बदल के लिए, अब आलिया भट्ट ने कोई ऐड किया, ऐड किया परफ्यूम का दिया या अलग साबुन का दिया या किसी का भी ऐड किया, तो जो भी लड़कियां हैं उसे अपने क्या रोल मॉडल मानती हैं, आलिया को पसंद करती हैं, वो कहेंगे आलिया बहुत बड़ा साबुन यूज करते हो तो बुरी हो सकती है, तो क्यों ना हम भी उसे यूज करें, तो यही हो गया रोल मॉडल, जिसे हम मानते हैं वो व्यक्ति जो करता है हम भी वही करने लग जाते हैं। सलमान खान ने भी बॉडी बिल्डर का सप्लीमेंट का ऐड दिया, एडिडास का ऐड दिया या जूते का ऐड दिया, तो हम वही जूते खरीद के लाएगा वो बच्चा जो उसको अपना सलमान खान को अपना रोल मॉडल मानता है। तो इस तरीके से क्या मॉडलिंग, इस तरीके से इसका नाम दिया गया कि मॉडलिंग थ्योरी नाम दिया गया इस वजह से, ठीक। अब बताया प्याजे जी ने, सॉरी अल्बर्ट बंडूला ने, दूसरों के व्यवहार को देख कर क्या है बच्चा सीखता है, जो व्यवहार दूसरे करते हैं जैसी बात उसे देख कर ही सीखेगा, समाज से सीखता है, अवलोकन करके, निर्देशन और मॉडलिंग, ठीक है। मॉडलिंग में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वर्तमान में सिंगर है गुरु रंधावा है, उनके गाने काफ़ी फेमस होते हैं, टीनेजर्स को पसंद आते हैं, खासकर जो प्यार मोहब्बत में पड़े होते हैं उन बच्चों, तो वो काफ़ी ज़्यादा उनके उनके रोल मॉडल मानते हैं, उनके गाँव को सुनता है, कुछ भी करते हैं, ठीक है। तो अपमान, इन्होंने क्या चरण बताए, कितने चरण बताए, चार चरण बताए हैं कि जो बच्चा है वो किस प्रकार सीखता है। अपमान, अपमान यानी क्या होता है, अटेंशन, अटेंशन सबसे पहले क्या है, आपको पता है कि आज क्लास चलने वाली है, आप वीडियो देखेंगे तो पहले आपने ध्यान बनाया कि 8 बजे क्लास लाइव आएगी तो हम लोग अल्बर्ट बंडूला पढ़ेंगे, तो अपमान हो गया धारणा, ठीक है, धारणा जैसे धारण कर सकते हैं, धारणा क्या होता है, धारण होता है, अप्लाई करना क्या है, आपने अप्लाई किया, सीखा, ठीक है, आपने सीखा हो गया धारणा, और पुनरुत्पादन क्या है, आपने रिकॉर्ड किया, उसे क्या किया, आपने दोहराया, तो वो हो गया पुनरुत्पादन। और अभी तो इतना, अगर आपके लिए उसका अच्छा है प्रयोग तो आप उसे भी मोटिवेट होंगे, अगर गलत है तो डीमोटिवेट होंगे। तो ये चार प्रकार बताए हैं प्यारे पापा है, तो ये याद रखना, मैंने वैसे एक से याद रखी है, ये तो बहुत चीज़ें बहुत कम पूछता है कि इसमें प्रयोग किया मॉडलिंग थ्योरी, अनुकरण, अवलोकन, उसका नाम याद रखना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता, ठीक है, ठीक है, एक नंबर एक पूछता है ज़्यादा से ज़्यादा, कनाडा के निवासी थे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों का शेयर करें, मिलते हैं।